अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जब हम सुबह उठे ना, तो रात से बल्कि बारिश शुरू हो गई थी, तो पकाने को सोच रहे थे क्या बनाएं क्या नहीं। तो मम्मी ने कहा, और राजू कल बहुत अच्छे वाले आम लाए थे ना, वो मोटे मोटे जो आम होते हैं, तो वो लहसुन की चटनी वगैरह डाल के बेसी रोटी से खाओ तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो राजू ने और मम्मी ने आइडिया दिया कि आलू के या चने की दाल के पराठे बना लो। तो मुझे ऑप्शन, क्योंकि मैंने चने की दाल के कभी बनाए नहीं ना, तो मुझे आलू का बेटर लगा। तो फिर मैंने सोचा कि आलू के पराठे बना लेंगे, लेकिन करते करते काम करते करते ये वक्त आ गया और धूप निकल गई। ओके, कपड़े अच्छी खासी धूप निकल गई। अब मैं आलू छील लेती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे। आज है, आज लंच में है आलू के पराठे, और आम को ऐसे काट लेंगे और उसमें चटनी वगैरह मिला देंगे, प्याज भी। तो जैसे भी होगा आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। आ रहे थे जब तो बनवाई नहीं आपने, मुंह तो आपने छुपा लिया। ऑयल गरम होगा, मैं अपने आप को दिखाना नहीं चाहता, मुझे सलम आना। सलम वहां क्यों रख रहे हैं, खा लो। अच्छा ठीक है, थोड़ी देखिए आप। मैंने इस तरह से पहले तो मैं काटी रही थी इस तरह जैसे कटते हैं ना, लेकिन फिर अम्मी आई, अम्मी ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं, इनको ऐसे भीज भीज के निकालो। तो अब इसके अंदर मैं लहसुन की चटनी जो पीस रखी ना, वो भी मिला लूँगी। तो ये देखिए, इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी डाल, मतलब अगर चटनी में नमक है तो कोई ज़रूरत नहीं है। और अब आलू के पराठे से या दाल के पराठे से इसको खाएंगे। तो चलिए मैं जल्दी से पराठे बना लूँ, पहले जोहा का बनाऊँगी, अभी तक तो कोई नहीं खाने को तैयार है। बहुत से लोग तो छोटे छोटे आटे के पेड़े ले लेते हैं और उसके बीच में उसको जिस चीज़ का भी आप पराठे बना रहे हो, कीमे की कचौरी, कीमे की कचौरी तो खैर अलग तरीके से बनती हैं, जिस चीज़ के भी आप पराठे बना रहे हो वो थोड़ा थोड़ा उसके बीच में रख के और ऊपर से रोटी दबा के ऐसे बना देते हैं। लेकिन मैं हमेशा ही आलू का जो पराठा बनाती हूँ ना, तो आलू रोटी बेल के, जैसे रोटी बेलती होती है, उसके बीच में वो आलू रख के और ऐसे बना देती हूँ। मतलब बहुत से लोग कहते हैं ना, दो पराठा, एक पराठा खाया तो यानी कि दो खाए, तो मैं एक ही पराठा बनाती हूँ, मतलब एक खाया तो एक ही खाए, यानी कि दो खाए। तो खैर बनवा तो लिए, अरे कह यार मेरा तो मुश्किल ही है, जलन हो रही मेरे तो, इतना मेहनत का काम है, इससे अच्छा तो आदमी सालन ही बना रही। राजू के हो रहे मेरे, नहीं तो बस कह तो जाएंगे मुझे हो रहा, मुझे हो रहा, लेकिन दवाई वगैरह कुछ नहीं। दही और आम मैं जोहा को दिया, वो जोहा का है ये खाना। देखिए मुझे ना क्रिस्पी क्रिस्पी से, जैसे पंजाबी पराठे बनते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे घी लगा के दबा दबा के, मुझे ना ये वाले पसंद है। राजू को भी, अम्मी को भी, मैं सबके लिए तो ऐसे ही बना रही, लेकिन हमारी जोहा को ना रिफाइंड, मतलब तवे के अंदर घी पड़ा हुआ हो और उसके ऊपर पराठा डालो, फिर वो जो फूला फूला करारा मतलब ऐसा पराठा बने ना, उसको वाला पसंद है। और मुझे ये वाले इस तरह के ना करारे करारे से, और मतलब इन पे हल्का हल्का घी लगा हुआ हो, जैसे पंजाबी पराठे बनते हैं ना इस तरह के। और देखो बरसात का मज़ा, कितना मज़ा आ रहा बरसात में, कितना मज़ा आ रहा आलू के पराठे और आम के। आटा भी देखिए कितना बरसात में, कितना मज़ा आ रहा, ठंडा ठंडा मौसम, पानी भी मुँह पर बह बह के आ रहा पसीना। धूप निकल गई, मेरे तो सारे मौसम के, लेडीज़ का तो यही होता है, मौसम कैसी तैसी करते हैं घर वाले,
कि अब पकौड़े बना दो, चाय बना दो, हमारा तो पूरा टाइम किचन में निकल जाए और इन्वर्टर भी डाउन हो गया। देखो कितना अच्छा क्रंची क्रंची पराठा बन गया। अच्छा ये बनी क्या क्या बहुत, वो आलू अंदर ही चारों तरफ इनके अंदर भरा रहा है, क्योंकि मैं वो नहीं बनाती, छोटे छोटे पेड़े बहुत से तोड़ के बनाए ना, वो वाला नहीं बनाती मैं। एक पराठा बचा, अब कोई खाएगा तो चाय वगैरह से खा लेगा। अच्छा ही लाइट आ गई, नहीं तो खाना मुश्किल हो जाता। इतनी मेहनत से मैंने बनाया, तुमने सारी मेरी बरसात का मौसम गर्मी में निकलवा दिया। कई घंटे लगे इसके अंदर, हाँ सूखा ही खा रहे हैं। आम से एक टुकड़ा खा के देखो कितना अच्छा लगे, तो जलन नहीं होने की दू। हाय मैं तो सोच रही थी इतनी भूख लग रही किस तरह खाऊंगी, अल्लाह के सुपर लाइट आ गई। मैंने कहा आलू के पराठे बनाए थे। आप लोग भी आज ही सोच रहे होंगे कि आज पूरा व्लॉग आलू के पराठों में ही निकाल दिया, तो एक आलू का पराठा बच गया था ना, तो चाय का टाइम हो गया था, पापा भी आ गए थे, सर की नमाज पढ़ रही थी पापा ने, अम्मी के सबके लिए मैंने चाय बनाई और एक आलू का पराठा रखा था, आधा अम्मी ने खाया आधा मैंने। चाय के साथ कुछ ना कुछ होना तो अच्छा लगता है, और अम्मी को यहाँ के समोसे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अम्मी ने कहा कि नहीं बस आलू का पराठा ही खा लूँगी आज। तो उसके बाद जोहा के पेन वगैरह भी ख़त्म हो रहे थे और राजू को दवाई भी लानी थी, उनके आजकल पेन हो रहा हार्ट में बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हो रहा, बदपरहेजी हो रही है क्या। तो खैर फिर वो कांच के गिलास भी हमारे टूट गए थे, तो मैंने गिलास भी मंगाए थे राजू से। बा भाई इसमें तो कोल्ड नहीं है, पूरी भर के ना दू है। मैंने कहा तो इसमें कोल्ड ड्रिंक अनसट आएगी, ये क्या पूरी भर के ना दी। क्या है कांच के हैं, प्लास्टिक के तो बहुत गंदे लगे, स्क्रैच पड़ गए हैं उनपे, नहीं बुरे, मुझे तो बहुत बुरे लगे। हमारी तो बॉटल्स के साथ आए हुए वो, लेकिन मुझे इतने बुरे लगे हैं, बहुत ही घटिया क्वालिटी से गिरे, चाहे कितनी भी अच्छी क्वालिटी की हो। किसके? हाँ मुझे नहीं अच्छे लगते, उसमें मेहमानों को या किसी को पानी वगैरह पिलाओ, खुद भी नहीं अच्छा लगता प्लास्टिक के हमारे पास है। हेलो मुख्तार कहाँ गए थे आप? नहीं लोहे का जूना कौन लगाता, फिर तो उन्हें सॉफ्ट उससे ही करा जाए। अब हो गया था रात का टाइम, मतलब ईशा के बाद की बात है, अभी तक मैंने नमाज वगैरह कुछ नहीं पढ़ी थी, तो दूध वाले भैया ना हमारे बहुत देर से आते हैं 9:30 बजे तक ही, तो मैं उसी टाइम अपना रोटी वगैरह जो बनानी, क्योंकि खाना लेट ही खाते हैं, तो आटा गूंदना या बर्तन वगैरह वॉश करने जो भी काम होता है मैं दूध गर्म करते करते ही कर लेती हूँ। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है वो कह रही थी कि सारा काम आप ही करती हो, आपकी बेटी कुछ नहीं करती, तो अगर उससे कभी कभी उसका मन होता है तो कर लेती है, कभी कभी अगर मैं उससे कुछ काम करा लूँ ना तो ऐसा होता है हमेशा ही कि ऐसा काम करती है कि वो सारा मतलब उस काम का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अभी उससे संभलता ही, और कभी मैं उससे कभी कुछ काम कराया भी नहीं, जैसे उसकी मर्ज़ी होगी ऐसे, अक्सर दूध तो गर्म कर देती है, लेकिन अभी बहुत दिनों से वो आटा बहुत अच्छा गूंद रही थी, लेकिन अभी 3-4 दिन पहले मैंने उससे कहा आटा छान दो, तो उसने ऐसा आटा गूंदा कि अगर मैं उसके अंदर इतना आटा और भी मिलाती ना तो जब भी वो
पतला ही रहता है, अब मुझे ही पता मैंने किस किस तरह उसकी रोटी बनाई। दो तीन दिन चला हुआ आटा, तो इसलिए बस आटा गूंदने की तो उसकी छुट्टी हुई थी। और बर्तन भी बहुत अच्छे वॉश कर देती हूँ, लेकिन अब बर्तन भी क्योंकि उसको आदत ही नहीं रही अब काम करने की। और कुछ आजकल बच्चों की पढ़ाई ये ऐसी हो गई कि वो अपनी पढ़ाई वगैरह ही पूरी कर लें, वो ही बहुत है। और फिर यही है बच्चे चार पांच हो तो आदमी को ये भी है कि चलो भाई बच्चे ही दो हैं बेचारे ले देते। कुछ दोहा भी मेरी शादी के पाँच छः साल बाद हुई थी ना, तो इसकी बहुत ज़्यादा वो है। फिर मुख्तार हुआ तो वो भी जोहा के 8 साल बाद हुआ, तो दोनों ही बच्चों की बहुत ज़्यादा वो है। यहाँ तक के मुख्तार का तो अभी तक इसी चक्कर में एडमिशन नहीं कराया कि वो छोटा है, जबकि छोटा नहीं है। उसके साथ के बहुत बच्चे हैं जो स्कूल जाने लगे, लेकिन हमने उसको अभी तक तो उसकी बल्कि फीडर भी नहीं छूटी। यही है बस, ये काम बिगड़े इससे अच्छा आदमी पूरी कर ले, रफ्तार रफ्तार आदत हो जाएगी ये। मैं भी अपने घर कुछ नहीं काम करती थी बिल्कुल भी, कभी कभी तो स्कूल से आके अम्मी के हाथ से खाना खाया करूँगी कि खाना अब तुम्हें खिलाओ, लेकिन अब यह है कि सारा काम करना शुरू कर दिया। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उनकी दुआ नाम से आईडी है, तो वो बार बार कह रहे हैं कि होम टूर दो होम टूर दो। तो होम टूर तो मैं आपको अपना होम टूर यहाँ वाले घर का भी और जो हमारा नया घर है जो हमने जिसमें अभी तक हम शिफ्ट नहीं हुए, दोनों घर का होम टूर दे चुकी हूँ। आप मेरी पुरानी वीडियो में जाके देखना जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किए थे ना, उसके बावजूद बाद भी और कई बार मैं बल्कि होम टूर जो हमारा नया घर है जिसमें हम अभी शिफ्ट नहीं हुए उसका तो मैं कई बार होम टूर दे चुकी हूँ। आप मेरी कोई सी भी मतलब मेरे पुराने व्लॉग जाके देखना तो आपको उसमें होम टूर मिल जाएगा। और ये बात इस वाले घर की जिसमें हम अब रहते हैं, इसका होम टूर भी मैंने जब पहली अपना ब्लॉग बनाने शुरू किए थे ना तभी मैंने अपना होम टूर दे दिया था। आप प्लीज़ जाके मेरे ना वीडियो चेक करना, और लिंक वगैरह मुझसे डालना नहीं आता अभी, नहीं तो मैं इसी वीडियो में उसका लिंक डाल देती। साढ़े 11 बजे पराठा खा रहा है ठंडा मिट्टी करके। चंदा खाने वाने से हम सब फारिग हो गए, खाने में बस वही आलू के पराठे बना दिए थे सबके मैंने, एक एक सबने आलू का पराठा खाया। राजू की बल की तबीयत नहीं ठीक हो रही थी, उन्होंने भी मैंने उनसे कहा भी मैंने कहा तो तुम्हारे लिए दाल वगैरह कुछ बना दूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं तू तो हल्का घी लगा के बना, हल्का हल्का रिफाइंड लगा के तेल लगा के बनाऊ ना, तो मैं उन्होंने कहा कि मैं तो खा लूँगा वही बना दो। तो अब सबके लिए बस मैं चाय बनाने आई, और बर्तन वगैरह जब सब चाय पी लेंगे ना उसके बाद वॉश करूँगी। देखो तो अच्छा ही, सब ने अम्मी ने भी कहा था मेरे दो पराठे बनाए, सिद्रा ने भी सिद्रा गई जोहा ने भी यही कहा था, लेकिन अम्मी ने भी एक ही पराठा खाया और जोहा ने भी, सिद्रा पता नहीं क्यों निकल रहा मुँह से, तो जोहा का पराठा और चाय लेके जा रही हूँ मैं। नमाज वगैरह से मैं फारिग हो गई, और एनिवर्सरी का ब्लॉग जो मैंने डाला जिसको भी पता चल रहा ना, मैंने एक पोस्ट कम्युनिटी पे पोस्ट भी डाली थी और शॉर्ट वीडियो भी डाली थी और आज ब्लॉग भी डाला कल का एनिवर्सरी का, तो सबकी बहुत ज़्यादा विशेज़ आ रही। और कुछ लोग अगर बहुत से लोगों का मैंने जिनका वो कमेंट सबके ही जिसने विश किया मैंने सबका कमेंट उसके अंदर लगा देते, और अगर किसी का कमेंट लगाना मैं भूल गई हूँ तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी। तो अब चाय वगैरह बन चुकी है, ये बन गई चाय, उसके बाद बर्तन वगैरह वॉश करूँगी, नमाज़ मैंने पढ़ ली है। तो चलिए इस व्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ, इंशाल्लाह फिर होगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।